बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 31, लेकिन पहले हम लेक्चर नंबर 30 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रेशर इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय सी डाइवर आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ इन सी। राइट ऑप्शन है बीटा 3 ATM। क्वेश्चन नंबर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज 116 torr। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है 159 torr और लंग्स में होता है 116 torr। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन इज। राइट ऑप्शन है चार्ली 2/3। ये कैसे आया ज़रा मैं यहाँ आपको जस्टिफाई करने लगा हूँ। हमें फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई पी टोटल। हमें पता है मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। H2 और O2 को सम करोगे तो इनके टोटल मोल आ जाएंगे। तो XH2 इक्वल किसके है, NH2/NO2। अब हमें पता है कि N इज़ द नंबर ऑफ मोल और वो इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास। तो NH2 की जगह आ गया मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। NH2 की जगह आ गया मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। NO2 की जगह आ गया मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब वैल्यू सब्सिट्यूट करें, H2 का मास दिया गया 2 ग्राम, मोलर मास भी 2 ग्राम। H2 का मास 2 ग्राम, मोलर मास भी 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास दिया गया 16 ग्राम, जबकि O2 का है 32 ग्राम मोलर मास। इसे सॉल्व किया, इसका 1 आ गया, इसका 1, ये आ गया 16/32। PT वैसा का वैसा रह जाएगा, हमें उसे नहीं छेड़ना। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 1, जब हम इसका LCM लेंगे 32 LCM आएगा, तो ये 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 32 + 16/32, तो 32 ऊपर जाएगा, तो 32/48, तो आंसर आएगा 2/3। इट्स मीन कि पार्शियल प्रेशर H2 इस वक्त कितना है, 2/3। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। राइट ऑप्शन है अल्फा 1/3। आया कैसे, इक्वल मैसेज है, इसका मतलब मीथेन और ऑक्सीजन का मैस हमने खुद सपोज करना है, बट लेने दोनों सेम है। तो ज़रा देखें, मैं रिलेशन इस्तेमाल किया मैंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू XO2 मल्टीप्लाई PT। XO2 किसकी इक्वल है, NO2 डिवाइडेड बाय NT। अब NT में है NCH4 और NO2, तो PO2 किसकी इक्वल है, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। वैल्यू सब्सिट्यूट करें, मैंने यहाँ पे दोनों गैसेस का मास ले लिया 32 ग्राम, तो O2 का मास से 32, मोलर मास भी 32। मीथेन का मास से 32, मोलर मास है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास से 32, मोलर मास से 32 ग्राम। सॉल्व किया, इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 2 और ये 1, तो 1/3 इस वक्त राइट आंसर है। अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 31, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम, जिसने ये लॉ पेश किया। इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, समटाइम बच्चे यहाँ एंड लिख देते हैं, आप एंड नहीं लिख सकते, डिफ्यूजन होगा या इफ्यूजन होगा, तो दैट्स वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्स या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्स होता है। मैथमेटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इस वक्त रिलेशन में आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी इज़ द डेंसिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा के, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल आएगा, यहाँ जगह इक्वल, तो के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो इनवर्सली रिलेटेड है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के।
अब आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एम मॉलिक्यूलर मास है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ भी इक्वल आएगा, तो के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। थस अगर लाइटर गैस है, हल्की गैस है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू हैवियर गैस के। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, मीथेन गैस, अमोनिया गैस जो है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम पर मोल, यानी इसके एक मोल का मास है 17 ग्राम। ये HCl जिसका मास है 36.5 ग्राम की निस्बत ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि दो गैसेस हैं, एक ए और दूसरी बी। गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन आर वन है, डेंसिटी डी वन है, मॉलिक्यूलर मास एम वन है, जबकि जो गैस बी है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर टू है, डेंसिटी डी टू और मॉलिक्यूलर मास जो है वो है एम टू। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ, गैस ए के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दैट विल बी आर वन इन्वेस्टिगेटेड टू स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू के ओवर स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी। गैस बी के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वेस्टिगेटेड टू स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी, या गैस टू के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन के ओवर स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी। के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, ये तमाम गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना डेंसिटी बढ़ेगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा, तो के इज़ द सेम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें सॉल्व करना है, तो डिवाइड कर दें इक्वेशन वन को टू पे, तो रिलेशन मिलेगा आर वन ओवर आर टू इक्वल टू डी टू ओवर डी वन स्केयर रूट। सिमिलरली अब इसको अगर हम डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस करें तो आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू एम टू ओवर एम वन स्केयर रूट होल स्केयर रूट। एम इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम वन, एम टू आर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए एंड बी। अब हमने इसकी वेरीफिकेशन करनी है। इस लॉ को ईजी वेरीफाई किया जा सकता है लेबॉरेटरी में बाय नोटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इन ग्लास ट्यूब व्हेन दे आर अलाउड टू मूव फ्रॉम अपोजिट एंड। ये देखिए, मैं आपको 100 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग 100 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब लेंगे जो कि दोनों सिरों से ओपन होगी। उसके अंदर कॉटन पीस जिसे भुगोया गया होगा एक साइड से एक अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर, दूसरा कॉटन पीस जो होगा वो भुगोया गया होगा एच सी एल सोल्यूशन के अंदर। जब उन्हें हम एक ही वक्त के अंदर इन अपोजिट एक को इधर प्लेस करेंगे एक इधर ही, और जैसे ही ये बैक साइड से इनको इधर से क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि HCl मूव करेगा राइट साइड पे और Na3 मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, और जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब अमोनिया और HCl कलरलेस गैसेज होती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती है ना वहाँ वाइट कलर के फ्यूम्स मिलते हैं, जो इंडिकेशन है कि ज़्यादा डिस्टेंस अमोनिया ने तय किया, इट्स मीन इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है जबकि HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। अब 100 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब थी ना, 60 सेंटीमीटर का फासला ट्रैवल किया अमोनिया ने, 40 सेंटीमीटर ट्रैवल किया HCl ने। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का 17 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास HCl का 36.5 ग्राम पर मोल है, तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर मास HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अमोनिया। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आता है 1.45 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1.46 राइट हैंड साइड के, तो लॉ वेरीफाई हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, एक उससे रिलेटेड है। कहता है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल हाइड्रोजन गैस का इफ्यूज होता है 4 टाइम एज रिपीडली एज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर अननोन गैस। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन 4 गुना ज़्यादा इफ्यूज होती है कंपेरेटिव टू अननोन गैस। कैलकुलेट करना है अननोन गैस का मोलर मास। हम इस स्टेटमेंट से डाटा निकालेंगे, रेट ऑफ इफियन अननोन गैस का हम लेते हैं 1, क्योंकि इफियन H2 का है 4 गुना ज़्यादा तो 4 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का है 2, अननोन हमने फाइंड करना है, तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक H2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ओवर अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2।
आर एच टू जो है वो 4 है, आर एक्स 1 है, एम एक्स फाइंड करना है, 2 इज द मोलर मास ऑफ एच टू, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से, तो 16 ओवर है 1, एम एक्स ओवर 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एम एक्स इज द 32 ग्राम पर मोल। इस मीन कि इस वक्त जो अननोन गैस है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा क्वांटिटेटिवली बिहेवियर ऑफ गैस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ कंट्रीब्यूशन दी मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, जिसमें सबसे पहले है बर्नौली। 1738 में वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश करता है। दूसरे नंबर पे क्लॉजियस 1857 में, ये ड्राइव करता है काइनेटिक इक्वेशन पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। पी यहाँ प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सी स्क्वायर बार ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तमाम गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती, तो हम उनकी एवरेज लेते हैं, इसे लिखा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये बार ऊपर जो होती है ये मीन को ज़ाहिर करती है, यानी एवरेज को, बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। दूसरे नंबर पे इसने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए गैस लॉज को ड्राइव किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। फिर है जी मैक्सवेल, इसने एक तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज पेश किया, जिसके मुताबिक जब मॉलिक्यूल गैस के ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो उनकी डेफिनेट वेलोसिटी रेंज होती हैं, क्योंकि तमाम गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज सेम नहीं है, कुछ की कम है कुछ की ज़्यादा है, तो लोअर से लेकर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक एक रेंज है। फिर है जी बोल्ट्जमैन, ये स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग दी गैस मॉलिक्यूल्स। फिर है वैंडरवाल, वैंडरवाल कुछ मॉडिफिकेशन करता है फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, और मॉडिफाई करता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, बना देता है पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, जो कि रियल गैस इक्वेशन है। इस दुनिया में आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कोई नहीं है, जितनी भी गैसेज हैं वो रियल हैं, तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को उसने मॉडिफाई किया इस फॉर्म के अंदर ताकि एप्लीकेबल बनाया जा सके फॉर रियल गैसेस। फिर कुछ पास्टुलेट्स हैं जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, 8 पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट ये है कि हर गैस कंसिस्ट होती है लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पर, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। गैसेस जैसे कि हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली बेतरतीब अंदाज से मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। पास्टुलेट नंबर थ्री, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कुलियन की वजह से, मॉलिक्यूल्स के साथ वॉल ऑफ कंटेनर, और ये जो कुलियंस होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, वो तमाम कुलियन जिनमें ओवरऑल एनर्जी सेम रहे, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कुलियन। फोर्थ पासुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं और उनके दरमियान सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। फिफ्थ पासुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान नॉर्मल कंडीशंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हैं। सिक्स पासुलेट है कि एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का नेगलिजिबल होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस वक्त अगर आप देखें ये एक गैस है जिसमें मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड है, इस वक्त जब इन गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब किया गया तो एक्चुअल वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, ये था वॉल्यूम ऑफ गैस टोटल, जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस की वजह से अकोपर्ड वॉल्यूम ज़्यादा था लेकिन एक्चुअल कम है, तो दिस एक्चुअल इज निगलिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर है जी सेवन नंबर पे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन इम्पॉर्टेड होती है ग्रेविटी की वजह से, वो निगलिजिबल है एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड कुलियन बिटवीन दैम। देखें दो तरह की एक इफेक्ट है, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ इन सिंपल वर्ड,
देर इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता गैस के मालिक्यूल का तो जितनी भी गैसेज हैं वो अर्थ पे पड़ी रहते। अब क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट ना होने के बराबर है इसलिए गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली कोलियंस की वजह से हवा के अंदर स्पेस के अंदर मूव कर सकते हैं। फिर है 8 नंबर पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मालिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।